जवान मूवी का तूफान रुकने के तैयार नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। अब जो रिकॉर्ड टूटा है, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन हो या तेलुगु पिक्चर हो या कोई भी पिक्चर हो, आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं बनाया। ये रिकॉर्ड जवान मूवी ने बनाई, शाहरुख खान साहब की जवान मूवी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा वो आज तक किसी मूवी ने नहीं करा। आगे सुनिए, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको क्या रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। 3 दिन के अंदर 200 करोड़ का आंकड़ा, सिर्फ हिंदी मूवी की बात कर रहा हूं, बाकी तो बाकी है। तमिल तेलुगु में जो रिलीज हुई, इंग्लिश में जो रिलीज हुई, वो तो बाकी हिसाब। 3 दिन के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ा गया 200 करोड़ का, वो हिसाब आपको बता रहा हूं मैं। साइड में आप डिस्प्ले में देख सकते हो, गूगल से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं, ये 200 करोड़ का आंकड़ा इंडिया ऑफिशियल बुकिंग काउंटर का आपको काउंटर बता रहा हूं मैं। अब एक पिक्चर आने वाली है शाहरुख खान जी की, जो सुपर डुपर हिट वो भी जाने वाली है, पठान, जवान, उसके सामने पानी कम चाय मेरे भाई। तुम बोलेंगे यार कैसी बात कर रहा है यार, इतनी हाउसफुल जा रही है इसके बाद। अरे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो पिक्चर आ रही है डंकी, अरे वो किसकी पिक्चर है, राजकुमार हिरानी की। वो डायरेक्टर ऐसा है जिसने संजय दत्त की लाइफ को डायरेक्ट चेंज कर दिया। वो डायरेक्टर ऐसा है रणवीर कपूर को सुपरस्टार का बनाने की बहुत बड़ी भूमिका जाती है। वो डायरेक्टर ऐसा है आमिर खान को पीके बनाने वाला। वो डायरेक्टर ऐसा है जिसने 3 निकम्मों को लेकर 3 इडियट जैसी मूवी सुपरहिट कर डाला। ये डायरेक्टर मिलकर और आज के शाहरुख खान जो चल रहे 27 साल से रोमांस कर रहे थे, पर अभी फोड़ा फाड़ी वाला काम ज्यादा कर रहे हैं। वो एक्शन मूवी लेकर आ रहे है, पठान एक्शन थी, जवान एक्शन थी, पर अब वो जो मूवी आ रही है वो देखने बाद ही मालूम पड़ेगा मूवी में है क्या। पर जो भी रहेगा मेरा भाई, धमाकेदार रहेगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी साहब के साथ में शाहरुख खान का नाम जुड़ जाता है। डंकी मूवी लेकर आ रहे हैं वो, दिसंबर के अंदर रिलीज होने वाली पिक्चर है साल के एंडिंग के अंदर, और उस वक्त में आगे पीछे उसके ही इलेक्शन होने वाला है, ये भी हमको मालूम पड़ा। जवान मूवी ने जो मैसेज दिया है पब्लिक तो जरूर पहुंची और पब्लिक उसको समझेगी। पर डंकी मूवी के जो डायरेक्टर है उनकी 5 मूवी के नाम को गिना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अली भाई क्या कहना चाहते है। पहली जो मूवी आई थी राजकुमार हिरानी की वो थी मुन्ना बेम्बिस 2003 में आई थी, जो सुपर डुपर हिट गई थी। उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, कितनी बात भी उनको कहूंगा उतनी बात कम पड़ेगी। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई मूवी आई थी, उसके बाद वो भी सुपर डुपर हिट गई थी, एक के बाद एक पिक्चर सुपर हिट गई थी। उसके बाद आई थी उनकी पीके। पीके का तो आपको जवाब ही नहीं है, आप जितने बार देखेंगे उतना कम है। ब्लॉकबस्टर पिक्चर, आप लाइफ टाइम उसको पिक्चर देख सकते हो, जब भी टीवी में लगे हम देख सकते हो, बोर कभी नहीं होंगे। 3 इडियट के बारे में 3 दोस्तों की कहानी बताई गई है मूवी के अंदर, पर वाकई में दिल खुश हो जाती है, इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाई गई है। उसके बाद संजय दत्त की खुद की कहानी के ऊपर जो पिक्चर आई थी संजू, आप वो पिक्चर भी देखिए आप। रणवीर कपूर का एक संजय दत्त का छोटा भाई बना दिया गया था, बॉडी से लेकर एक्टिंग, अदाकारी, आंखों का जो बातें थी उसकी, बोलने का अंदाज पूरा संजय दत्त जैसा था। ऐसी मूवी उन्होंने डायरेक्टर की है। अब वैसे डायरेक्टर अगर डंकी पिक्चर लेके आ रहे, वो भी शाहरुख खान जैसा, शाहरुख खान में एक तो पारा ऊपर चढ़ा हुआ है हर जगह पर, सुपर डुपर हिट मूवी जा रही है, सब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है, और उसके बाद सुपर हिट डायरेक्टर अगर उसे मिल जाए डंकी पिक्चर का, तो क्या बात है। डंकी का कुछ टीजर के साथ आपको मैं छोड़ते जा रहा हूँ। अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी आपको उसको शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। क्या देख रहे हो शाहरुख? कुछ नहीं सर, बस ये रणबीर कपूर इन संजू आमिर एस पीके, संजू ऑफ कोर्स एज मुन्ना भाई MBBS। वाह सर, कमाल है सर। सर मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर एक है स्क्रिप्ट मेरे पास। रियली? कॉमेडी है? बहुत है। इमोशन है? वो भी है। रोमांस है सर? है सर, पर ये आप ये वाला एक्शन ना अवॉइड करिएगा। ये अरे हाथ ही काट लूंगा मैं। गए सर आप बोलो तो। नाम क्या है सर? डंकी। डंकी? डंकी नहीं शाहरुख, डंकी। मैं समझा डंकी 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 इन एन एज मतलब सर डंकी पता नहीं क्या बना रही है, जो भी है ले लो ले लो।